हेलो एंड वेलकम टू बेबीज कैलोरी। बेबीज कैलोरी में आज हम देखेंगे पालक दाल बनाने का रेसिपी। पालक दाल बनाने के लिए यहाँ पे हमने तूर और मसूर दाल दोनों ले लिया है। आप इनमें से कोई एक दाल से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पालक ले लिया है और थोड़ा सॉल्ट वाटर में सोक करके रख दिया है वॉश करने के लिए। हम दाल को कुक करने के लिए चढ़ा देंगे कुकर में थोड़ा हल्दी डाल के। पानी आप अंदाज से डाल सकते हैं, यूजुअली दाल के डबल क्वांटिटी लगता है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। तब तक हमने पालक को चॉप कर लिया इधर में, जो सोक करके रखा था उसको। घी लिया है, हींग लिया है, जीरा लिया है, अदरक को छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है और सॉल्ट। अभी हम देख सकते हैं दाल अच्छे से पक गया है। इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा हल्का मैश कर देंगे स्पून से। इसके बाद कढ़ाई में हम लोग घी डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम लोग जीरा है वो जीरा डाल देंगे और जीरा को धीमी आंच में स्पटर होने देंगे। जीरा स्पटर हो जाए तो उसमें हम लोग अदरक डाल के अच्छे से थोड़ा सिम में करके फ्राई कर लेंगे। अदरक अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम लोग जो चॉप किया हुआ पालक है वो डाल देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हींग डालेंगे 1 to 2 pinches। उसको अच्छे से स्टर करके फ्राई करेंगे। इसको हम लोग ढक के सिम में फ्राई करेंगे जब तक कि एकदम कम हो जाए और अच्छे से फ्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं कलर थोड़ा डार्क हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। दाल डाल के थोड़ा हम लोग पानी ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिए और आपको जिस तरह का कंसिस्टेंसी का दाल चाहिए उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिए। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते तो पानी कम ऐड कीजिए। राइस के साथ थोड़ा पतला चाहिए होता है तो आप पानी ऐड करके इसको ढक के अच्छे से बॉईल होने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल बॉईल हो चुका है, ये ऑलमोस्ट कुक भी हो गया है। तो इसको हम लोग अभी प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग हो चुका है और आपका पालक दाल रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।